और बेमिसाल शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता, जिसे भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने किया संबोधित, बताई सरकार की उपलब्धियाँ। सिर्फ मध्य प्रदेश बस में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश एक अपनी पहचान बना रहा है, जहां पूरी दुनिया में भारत को G20 जैसे देशों का अध्यक्षता करने का अवसर मिला, तो वहीं पास हमारे मध्य प्रदेश के 3 ऐसे बड़े शहरों में G20 के कार्यक्रमों का अवसर मिला और वह कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश में हुए। उसमें पहला कार्यक्रम खजुराहो में था, दूसरा कार्यक्रम भोपाल में था और तीसरा कार्यक्रम इंदौर में था। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अगर G20 जैसे देशों का भी अधिवेशन होता है तो उसके लिए मध्य प्रदेश को चुना जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना ने जैसा कि पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश सरकार आज बेटियों का काम हुआ है, 44 लाख से अधिक बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया गया और कल से नई योजना मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जनई तहसील लोक की तहसील और मध्य प्रदेश को बंटा ढाल के मध्य प्रदेश से उपार करके और विकसित मध्य प्रदेश बनाना, विकसित मध्य प्रदेश से स्वर्णिम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत का सबसे नंबर वन वाला प्रदेश बने, इसके लिए हमारा शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार काम कर रही है। की चैत्र नवरात्रि को लेकर धूम, शहर के बीच स्थित खोवा मंडी के पास लगा राम दरबार, जहां काफी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर की राम जी की आरती, इसके पश्चात मात्र शक्तियों द्वारा किया गया भजन कीर्तन, भक्ति में हो उठा राम दरबार। सम्मान समारोह ग्वालियर के बाल भवन में 18 मार्च 2023 को भारी नारी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा किया गया। ग्वालियर शहर की तारा शाह जी को नारी रत्न सम्मान अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। रोड पर कार के अंदर बैठकर फोटो खींच रहे थे ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नौटिया जी ने देखा तो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर समझाया क्या लिखा हुआ है, चारों को बताया धीरे चलो, आपका परिवार आपका घर पर इंतजार कर रहा है। पटना में सिंधी समाज के आराध्य देवता भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर शहर में निकाली गयी भव्य शोभा यात्रा, जिसमे काफी उमड़ा जन सैलाब। ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नौटिया जी ने आज अपनी टीम के साथ बंदरों को जाकर खिलाए फल। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का वाराणसी में करेंगे शिलान्यास। इस रोपवे से कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे जाने में सिर्फ 16 मिनट लगेंगे।